प्रस्तुत है कविता चुनाव। जन, तुमने वायदा निभाने वाले हाथों को दरकिनार कर जुमले वाली जुबान को चुन लिया, अब भुगतो मेरा क्या। मैं विचार के जिस पड़ाव पर हूं, मुझे न तो दो गज कफन की दरकार है, न दो मन लकड़ी की। दो गज जमीन भी नहीं घेरूंगा मैं। कविता का शीर्षक है जल समाधि। एक न एक दिन उन आत्महंताओं की आत्मा भी जाग जाएगी जो अपने आप को कहते थे पार्टी विद ए डिफरेंस, जो कहते थे कि उनके पास चाल, चरित्र और चेहरा है, और वे भी ठीक अपने राधे राम की तरह अपने अपराध बोध के दबाव में आकर ले लेंगे जल समाधि सरयू में। प्रस्तुत है कविता जिसका शीर्षक है फंदा। हां, इस बात को सच मान लिया जा सकता है कि वे बंदूक और उसमें भरा कारतूस तुम्हारा नहीं था, और यह भी मान लिया जा सकता है कि जो निशाने पर था उससे तुम्हारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं थी, परंतु वह कंधा तो तुम्हारा ही था और ट्रिगर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान पाए गए थे। ऐसा नहीं कि तुम मासूम थे, कि तुम अपने कृत्य के परिणाम से अनजान थे। जरूर कुछ भारी प्रलोभन तुम्हारे सामने लटका दिए गए होंगे। हो सकता है कोई रिवॉल्वर तुम्हारी कनपट्टी पर तना हो, परंतु निर्णय तो तुम्हारा ही कहा जाएगा। समय का चक्र घूम चुका है, तुम तख्ते पर हो और फंदा कसा जा रहा है। कविता का शीर्षक है धार्मिक यात्रा। इस तरह चौड़ी हुई होंगी बनारस की सकरी गलियां कि हजारों घर टूटे, हजारों द्वार टूटे, टूटे होंगे शहंशाह के हुक्म से दो चार मंदिर, आदेश से इस भक्त के मंदिर कई हजार टूटे, आदेश से इस भक्त के मंदिर कई हजार टूटे।